पर आपने दूल्हे राजा नहीं दिखाए, तो आज मैंने फाइनली दूल्हे राजा भी दिखा दिए हमारे। यहाँ पे तो बड़े बड़े बंदे आए हुए, बाय द वे उमर अब्दुल्ला देखा कुछ इतना अच्छा लगता है अपने सब्सक्राइबर्स से मिल। तो सब आप इंशादी को तो जानते हो, इंशादी के भाई हैं जुबी भाई जो हमारे भाई हुए कजन, और ये उनके बेटे जैन। और आज तो हम शिवा को भी लेंगे ब्लॉग में, ये इनकी सिस्टर। माशाल्लाह कितनी प्यारी फैमिली है ना भाई रोहित। यहाँ पे भी आते ही व्लॉगिंग स्टार्ट हो गया, और आगे हमारी बुआ जी खड़े हुए हैं। ये है कुछ यहाँ का एंट्रेंस, और मैं यहाँ पे व्लॉगिंग करता हूँ बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ लिटरली। लाइक उस वाली शादी में मुझे व्लॉग करते हुए ना, वहाँ पे जो फंक्शन था, वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है व्लॉग करते हुए, पर यहाँ पे हद से ज़्यादा शर्म आ रही है, तो मैं बहुत कम व्लॉग कर पाऊँगा यहाँ पे। वाह, यहाँ पे तो बड़े बड़े बंदे आए हुए, बाय द वे उमर अब्दुल्ला शादी में। डैम, ये रहा है कुछ यहाँ की जैमिंग, ये वाली है बाय द वे। सिक्योरिटी है साथ में, नहीं तो मैं भी ब्रीच करके ले लेता कुछ ना कुछ फ़ोटो या वीडियो। ये कि हर जगह व्लॉग करते होते हैं, और आशू को मैं यहाँ पे बिठा के गया हुआ था। अभी रखवा रहे हैं हम फिश, आशू को भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। बाय द वे मैं यहाँ पे अपनी मौजू में बैठा हुआ, मैं सोच रहा था कि ये शादी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है, पर अचानक से कहीं से ना उमर अब्दुल्ला टपके। मेरा कहने का तरीका ढंग बिल्कुल गलत हो रहा है, इतने सारे बंदे, 5,000 व्यूज़ आने वाले, पर स्टिल मैं बोल रहा हूँ उमर अब्दुल्ला टपके। अचानक से वो कहीं से पहुँचे और स्टेज पे, वहाँ पे जाके दुल्हन और दूल्हे को उन्होंने कंग्रेचुलेट किया, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे, तो मैं भी गया जाके थोड़ी सी क्लिप ले ली, अगर हो सका तो साथ में भी लूँगा, अगर नहीं ले पाया तो क्या बोल सकते हैं। पर अभी उनके साथ सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, शायद वो पास नहीं जाने देते। मैं कोशिश करूँगा उनके साथ लेने की वीडियो की एक क्लिप। ये देखो मैं फाइनल व्लॉग के लिए भी पहुंच गया इनके पास, बाय द वे थोड़ा सा चांस मिले, ये थोड़े से साइड होंगे सभी, तो फिर व्लॉग करेंगे हम इंशाल्लाह। यहाँ पे भी इंशादी का नाम आ रहा है, ये लाइटिंग सेटअप है ना, जो ये जो सारा का सारा आगे आ रहा है, इसकी वजह से फोकस हिल रहा है पूरा। वेल, अंदर बैठ बैठ के मैं काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, बोरिंग सा माहौल चल रहा था, सभी अपने अपने फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, इतना कुछ खास था नहीं, तो बाहर चला आया मैं यहाँ पे। यहाँ पे मुझे पता नहीं था क्या चल रहा है क्या नहीं, तो यहाँ पे हमें अपने गांव के बंदे मिल गए, बाय द वे इम्तियाज़ भाई, और इनका नाम सजाद भाई और सोनू, शायद इनको मैंने पहले भी देखा है, काफ़ी बार देखा हुआ लगता है। तो यहाँ पर अब कुछ देर तक इनके साथ टाइम पास करते हैं, तो उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। देखो यार, इंशा जी ने मुझे वहाँ से बुलवाया है, बाय द वे अस्सलाम वालेकुम। बस ठीक ठाक, मैं आपसे लेने के लिए बस यहाँ पे शॉर्ट है, लैंडस्केप में नहीं दूंगी। अरे पोर्ट्रेट में मैं व्लॉग का शॉर्ट ले रहा हूँ, तो ये मैं डालूंगा आपको, ये हमारे जीजू, ये मेरे गाने। अरे एक सेकेंड, मैं इस साइड से ले लूँ, हाँ यहाँ से ले लेता हूँ। ये देखो, ये एग्जैक्ट पता है, ये दिखाने के लिए ना मुझे बहुत सारे बंदों ने कमेंट किया कि आपने सब कुछ दिखाया पर आपने दूल्हे राजा नहीं दिखाया, तो आज मैंने फाइनली दूल्हे राजा भी दिखा दिए हमारे ब्लॉग में। अब ये वर्थ था मेरा यहाँ पे आने का, आप सबको मैं बता दूँ, और अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए मैं वेट करूँगा ऑब्वियसली इन तक भी। हाँ ठीक है, फिर यहाँ से आगे बाद में। वेल, व्लॉगर्स की लाइफ देखो, मैं वॉशरूम से बाहर निकलते ही व्लॉग करना स्टार्ट हो गया। पहले मुझे यहाँ पे माहौल बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, फिर अचानक से इंशादी ने बुलाया और मैंने जाके उनके साथ ये व्लॉग की क्लिप ली जो अभी आपने देखी है। तो अब जो मेरी वो बोरिंग सा माहौल था, मेरे फेस से जो फेस डल हुआ था वो उठ गया है। अभी कुछ खाते हैं अच्छे से, पहले मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ना कुछ खाने का, लाइक ना बैठने का, मतलब मेरी आंखें सारा कुछ बताने लग जाती हैं जैसे ही ऐसा कुछ होता है। तो अभी सब मेरे मुँह की तरफ देख रहे हैं, पर मैं बेशर्मी करके व्लॉग करे जा रहा हूँ, कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो सब आप इंशादी को तो जानते हो, इंशादी के भाई हैं जुबी भाई जो हमारे भाई हुए कज़न, और ये उनके बेटे जैन। और आज तो हम शिवा को भी लेंगे ब्लॉग में, ये इनकी सिस्टर। माशाल्लाह कितनी प्यारी फैमिली है ना भाई रोवे। जैन, यू आर लुकिंग हैंडसम, चाहे हम, और शिवा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये कल, ये पता है परसों वाले ब्लॉग में, परसों सुबह जो ब्लॉग आएगा उसमें मैं ये डालूंगा, ठीक है, पक्का देखना। अब मैं कुछ खा के आ जाऊँ, आपने कुछ खाया? हाँ, वेरी गुड।
जीवा ने भी खा लिया, अच्छे बच्चे। और भाई को भी व्लॉग में ले लेते हैं यार। भैया अपना नाम बता दो यार। जावेद भाई। जावेद भाई व्लॉग देखना पक्का, ठीक है? जैसे ही मैंने अभी खाना खाया तो मुझे ना फैमिली से दोबारा से कॉल आ गई कि हमने साथ में व्लॉग करना है। और मैं आप लोगों को आज ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा, ऐसे करके दिखा दूंगा थोड़ा सा बैक कैमरे से, बाकी सब कुछ दिखाऊंगा। खालदा दी के साथ कल हमने व्लॉग किया था, पर वो व्लॉग इनको शायद पसंद नहीं आया वो शॉर्ट। क्या मेरा ये देखो, ये हमारी सिस्टर सब्सक्राइबर भी और हमारी सबसे बड़ी बुआ जी की बेटी है। ये सबसे बड़े आप हैं? अच्छा, फरीद भैया से छोटे ये, क्योंकि मैं इतना पूछता नहीं होता यार, पर स्टिल पता है कि हमारे कजन से हमारी बहनें हैं, सबको जानता हूँ। अरे देखो ये, और ये देवरानी। अच्छा, ये इनकी देवरानी। और ये पीछे आगे, ये आगे इनका बेटा, नाम बता दो यार। साहिल। देखो साहिल भी हमारी वीडियोस देखता है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पे और भी कुछ बंदे मिले, वो दूसरी साइड के थे, तो उन्होंने भी बोला कि वो भी व्लॉग्स देखते। अभी उनके साथ भी हमने थोड़ा सा व्लॉग करना है। तो अभी माहौल बिल्कुल बोरिंग सा लग रहा था, पर जहाँ पे अपने बंदे मिल जाएं वहाँ पे मन लगना स्टार्ट हो जाता है। देखो यार, अगर इन्होंने बोल दिया तो मुझे बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ का म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, पर एज कम्पेयर टू पहले वाले फंक्शन के मुकाबले, आप खुद कमेंट करके बताओ। अभी गाना लगाओ प्यार से, क्या प्यार हुआ इकरार हुआ करके कुछ ऐसा कुछ लगा हुआ है। और ये कुछ डेकोरेशन है यहाँ की, आप कमेंट करके मेरे को बताना कौन से वाले फंक्शन की डेकोरेशन ज़्यादा सही थी, इस वाले की या उस वाले की। क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा मैं बिल्कुल। और ये हमारे फरीद भाई भी आ चुके हैं एंट्री में, सबको व्लॉग में लेने वाला हूँ। ये विद फैमिली आए हैं अभी अभी। अभी बज रहे हैं रात के 10, और लग ऐसे रहा है कि माहौल आस्ता आस्ता यहाँ का गर्म हो रहा है और अंदर का पूरा ठंडा हो गया। वहाँ दूल्हा दुल्हन को छोड़ के सारे बाहर आ गए। बाय द वे, इतनी वो मस्त वाला वो नहीं आया यार वाइब, वो जो उधर आई थी, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सच्ची दिल से बोलूँ तो, क्योंकि शायद मेरे साथ वाले कुछ बंदे नहीं आए हुए थे तभी, बट स्टिल अच्छा है। लाइक आपने इन्जॉय किया सर? सब बोल रहा है। अरे देखो, इन्होंने इन्जॉय करा पर मेरे से इन्जॉय नहीं हो पाया किसी भी लेवल तक। ये देखो, ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स बैठे हुए अभी खाना खा रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमारे रिलेटिव्स भी, वो देखो मुंह छुपा रहे हैं छोटे। रूबिया दी को भी डालते हैं। रूबिया दी देखो कितने तैयार होके सज के आए हुए हैं। और ये आमिर भैया, और ये देखो, ये भी कुछ, ये भी व्लॉग्स देखते हैं। देखे इन्होंने भी सारा अली। और आपका? और आपका फैजान। और आपका दानी? राहिल अली। और आपका कयाम। देखा, कुछ इतना अच्छा लगता है अपने सब्सक्राइबर्स से मिलके, एट द सेम टाइम मेरी आंखें लो हो गई हैं, और हम कहीं ढूंढते हैं एक बॉटल पानी की पीने के लिए। बज गए अभी, देखो पीछे वैसे की वैसे जैमिंग चल रही है, और मैंने बहुत ज्यादा व्लॉग कर लिया। जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ पे भी व्लॉग कर रहा हूँ, लाइक सभी के सभी बंदे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, और मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, तो उसकी वजह से मेरी ना वो व्लॉग करने की जो ताकत है वो बूस्ट हो जाती है। तो मैं सबके सामने व्लॉग कर लेता हूँ ईजिली। और मुझे इंशा दी ने, जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था, इंशा दी ने बोला था कि व्लॉगर के नेवर एवर बी शाई, व्लॉगर को बेशर्म बनना होता है, इन सिंपल वर्ड्स कहा जाए, मेरी लैंग्वेज में कहा जाए। तो मैं बेशर्म बन के उसके बाद कहीं पे भी फ़ोन उठा के कहीं पे भी व्लॉग करना स्टार्ट हो जाता हूँ। अभी अकेला हूँ मैं, लाइक लिटरली पूरे की पूरे फंक्शन में मैं अकेला घूमता रहा हूँ और अकेला ही व्लॉग करता रहा हूँ। इतनी सी शर्म नहीं है यार, किस चीज़ की शर्म है यहाँ पे, सभी तो बंदे हैं, कौन सा कोई खाने लगा मुझे।
ये यहाँ पे लेने के लिए आया मैं लास्ट शॉट, क्योंकि ये खाली हो चुका है पूरा का पूरा, सब लोग जा चुके हैं ऑलमोस्ट और सिर्फ हम बचे हैं। और हम क्या कर रहे हैं भाई, जब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे ना सिनेमैटिक्स चाहिए थे पर यहाँ पे कुछ है नहीं है वैसा वाला वहाँ पे जैसा था सिनेमैटिक लेने के लिए। तो या इस जगह को बाय बाय बोलते हैं आज, शायद ये लास्ट वाला शादी वाला व्लॉग है, लाइक पूरी की पूरी सीरीज़ बन गई है 7-8 व्लॉग्स। अब हम सब के सब निकल रहे हैं घर वाली साइड पर, तो घर पे जाके अभी सारे के सारे तो रेस्ट करेंगे, पर हमें रेस्ट कहाँ होने वाली है, हम बैठेंगे अपनी एडिटिंग पे। अभी टाइम हो चुका ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं, तो लाइक 2 बजे तक अगर घर पहुँच के तो 2 बजे एडिटिंग स्टार्ट करूँगा, 4 बजे तक कंप्लीट हो जाएगी और 4 बजे अपलोड करके मैं लगभग 4:30 बजे तक मैं सो जाऊँगा। लाइक आज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी और एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है अगर ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जाए तो, इसी हॉल के साथ और यहाँ पे कुछ बंदे तो मैं ज़्यादा लाउड बोलूँगा, उन तक आवाज़ पहुँच जाएगी और सभी के सभी मुझे घूरने स्टार्ट हो जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इसी हॉल में यहीं पे इस जगह का नाम है इसका अनुथम, और यहाँ पे ये फंक्शन रखा हुआ था आज वाला, जो लड़के वालों की तरफ से था और मैंने तो पूरा का पूरा इन्जॉय किया। खैर इतना मैं कुछ खाता पीता तो हूँ नहीं, और जैसे ही मैं ताया जी को देखता हूँ उनके सामने मेरा फ़ोन नीचे हो जाता है, फ़ोन मैं बिल्कुल ऊपर नहीं करता उनके सामने। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, मुझे थोड़ा साइड पे आना पड़ा बाय द वे ऑटो लेने के लिए वहाँ पे वो सामने बैठ के। यही थी मेरी आज की वीडियो, होप यू गाइज इन्जॉयड। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अगर इतनी ज़्यादा पसंद आ गई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय। एंड डेफिनेटली एक बात बोलना मैं भूल गया, ये लास्ट शादी व्लॉग था, दैट्स इट। इसके बाद मैं कोई भी शादी व्लॉग नहीं डालने वाला। लाइक सभी बोल रहे होंगे कैसी शादी है, पिछले 5-6 दिन से लगातार चली जा रही है, चली जा रही, चली जा रही। बस इतनी थी।